नमस्कार, मैं हूं निरतुंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही अगले हफ्ते का मार्केट कैसा रहने वाला है, आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, ये तमाम मुद्दे हम आपको बताते हैं। और आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, हमारे साथ हैं एक खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है। कुशल हमें बताएंगे आज के बाजार का पूरा एक्शन और टाटा मोटर्स के नतीजों का अनुमान। आशीष से जानेंगे हिंडाल्को के कैसे रहे नतीजे और स्टील शेयरों पर खास रिसर्च। संदीप बताएंगे कैसे रहेंगे आईजीएल के नतीजे और बाजार के लिए अगले हफ्ते क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, बताएंगी मानसी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज पूरे दिन मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है। तो कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में शानदार रिवर्सल देखने को मिला। निफ्टी 0.1% की तेजी के साथ 10,000 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में भी 250 अंकों की मजबूती दिखी और निफ्टी बैंक सेंचुरी लगाकर 20,650 के ऊपर बंद हुआ। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1,312 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,945 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेट का। हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार ने सबको चौंका दिया, सरप्राइज किया। भारी गिरावट के बावजूद आखिरी घंटे में बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। कहां से मिल रही है ताकत और इस मजबूती का राज क्या है? जितना कल देर रात अमेरिका में कमजोरी ने चौंकाया कि डाउ 1800 पॉइंट कैसे गिर गया, उतना ही आज भारतीय बाजारों की रिकवरी ने भी लोगों को चौंकाया। क्योंकि अमेरिका के मार्केट्स देखकर तो सबको डर था कि आज बड़ी तेज गिरावट के साथ खुलेंगे और कहीं ब्लैक फ्राइडे ना हो जाए, और लगा भी वैसा कि खुले गैप से। लेकिन भारतीय बाजारों की ताकत ये वाकई में थी कि लोग जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग के लिए दौड़े, फ्रेश खरीदारी का मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। और उसके साथ साथ दो बड़े फायदे हुए। पहला, ग्लोबल मार्केट से, यानी कि एशिया में कमजोरी थी, पैनिक नहीं। तो अमेरिका की 1870 अंकों की डाउ की कमजोरी के बावजूद एशिया में पैनिक नहीं थी। और दूसरा, वहीं पर जो ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हुआ, वो ये कि डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में थे और धीमे धीमे दिन भर अपनी बढ़त बनाते हुए दिखे। और जब भारतीय बाजार बंद हुए तो 600 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स ऊपर बंद हो रहे थे। तो कम से कम शुक्रवार यानी कि आज रात को अमेरिका में जो ट्रेडिंग सेशन होना है वो ठीक होगा, बेहतर होगा, ये कॉन्फिडेंस आ गया। तो ग्लोबल मार्केट से कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरा जो बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था वो आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो ब्याज के मॉरेटोरियम को लेकर सुनवाई होनी थी, जिस पर फैसला आना था कि क्या वाकई में बैंक्स को मॉरेटोरियम के पीरियड का ब्याज माफ कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लेरिफिकेशन दिया कि हम ब्याज माफ करने की बात नहीं कर रहे हैं, ब्याज पर ब्याज लगाएं कि ना लगाएं, यह क्लेरिफिकेशन चाहिए। तो एक बड़ी रिलीफ आई कि 2,00,000 करोड़ रुपए का जो ब्याज अदरवाइज बैंक्स को छोड़ना पड़ सकता था या उसका क्या होता भगवान जाने, वो रिस्क निकल गई। तो वहां से बैंक निफ्टी में जो जोश आया वो जबरदस्त था और वो जो खरीदारी हुई काबिले तारीफ। सबसे बढ़िया बात आज के बाजार की, एकदम दिन के लोएस्ट पॉइंट पर खुले और एकदम दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुए। पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर हुई, और जो तेजी स्क्रीन पर होती है उसे कहते हैं क्वालिटी तेजी, यानी कि सबको पार्टिसिपेशन का पूरा मौका मिला, चाहे वो तेजी वाला हो या मंदी वाला। तो ये बाजार की ताकत दिखाता है, जितने गैप्स भरने थे वो गैप्स भर दिए और 10,000 के बेहद नजदीक निफ्टी पहुंचा है और बैंक निफ्टी 20,750 के नजदीक पहुंचकर हल्का सा नीचे बंद हुआ। तो बहुत बढ़िया तेजी के साथ भारतीय बाजार आज प्रदर्शन करते हुए दिखे। तो मजबूती की दो बड़ी वजह, पहले ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन थोड़ा सा बेहतर, खासतौर से एशिया और डाउ फ्यूचर्स का, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ब्याज के मॉरेटोरियम वाले मामले में राहत। ओके, तो ये था आज के बाजार पर एडिटर्स टेप। लेकिन आज खबरों के दम पर किन किन सेक्टर में एक्शन रहा ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशल। बताइए कुशल,
जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट निचले स्तरों से 450 अंकों का उछाल आपको निफ्टी में देखने को मिला। साथ ही अगर आप निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की सूची को देखें तो अच्छे नतीजों के बाद आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में 7% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस जैसे शेयरों में भी 3 से 4% का उछाल रहा। वहीं लूजिंग साइड पर जी एंटरटेनमेंट टॉप लूजर था, साथ ही सरकारी कंपनियां जैसे ONGC और पावर ग्रिड पर दबाव रहा। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो सेक्टर्स में अगर गेनर साइड पे देखेंगे तो टू व्हीलर सेक्टर्स जो थे वो सबसे ज्यादा गेन करते हुए नजर आए M&M के अलावा, और साथ साथ बैंक्स जो इंटरेस्ट पेपर पर सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आया उसके बाद काफी मजबूती आपको बैंकिंग स्पेस और NBFC स्पेस में देखने को मिली। इसके अलावा रियल्टी स्पेस ऐसा था जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, जिसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स आज भी टॉप गेनर निकलकर सामने आया, 6% की तेजी यहां थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी बढ़िया बढ़त रही। ऑयल एंड गैस स्पेस में देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.75% के उछाल के साथ आज बंद होता हुआ दिखा। साथ साथ HPCL, IGL और OMC स्पेस में BPCL पर भी बढ़िया मूव हमें देखने को मिला, पर PSU स्पेस जो थे वो आज गिरावट का रुझान दिखा रहे थे और 3 से 4% की गिरावट यहां रही, जिसमें ONGC पावर ग्रिड टॉप लूजर निकलकर आए। वहीं IT स्पेस यहां पर भी काफी ज्यादा दबाव आज के सत्र में बनता हुआ दिखा, जिसमें टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे शेयर इंट्राडे में 3 से 4% तक लुढ़कते हुए दिखे। ओके, तो ये अलग अलग खबरों के दम पर किन किन सेक्टर में क्या एक्शन दिखा ये कुशल ने हमें डिटेल में बताया, लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। और हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि शुक्रवार के बाजार के मिजाज को देखते हुए सोमवार के बाजार का क्या अंदाज लग रहा है आपको? देखिए, आज सबसे बढ़िया बात जो थी, जो अनिल जी ने अभी बोला कि सबसे लोएस्ट लेवल पे खुला मार्केट और हाईएस्ट लेवल पे जाके क्लोज हुआ, जो कि काफी हार्टनिंग और काफी डर लग रहा था। जिस तरीके से रात को डाउ जोन्स 1800 पॉइंट नीचे था और रातों की नींद ही उड़ाई थी, और इनफैक्ट जिस तरीके से SGX निफ्टी भी डाउन था, बट बाद में ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हुए, डाउ जोन्स भी ठीक, यूरोपियन मार्केट्स भी ठीक, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी जो रुख था वो पॉजिटिव था। सो ओवरऑल मार्केट ने थम्सअप दिया, और मेरे हिसाब से फिर भी मैं यही कहूंगा कि बहुत एग्रेसिव होके बाइंग पे आ जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरोना के फ्रंट पे देखिए इंडिया में भी न्यूज नेगेटिव है और ग्लोबली भी देखिए वापस से सेकेंड वेव में जब नेगेटिव रिएक्शन आता तो सर्टेनली कुछ ना कुछ हो सकता कि कोई नई चीज सामने निकल के आए। सो मैं कहूंगा कि मैं सेफ रहूंगा, बट फिर भी बाइंग की राय है और सेक्टर स्पेसिफिक जो बाइंग की राय है वही देंगे, और बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक्स के साथ जाना है और क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहना है और प्रॉपर सेक्टर्स में रहना है। ओके, ठीक है। ऐसे में संदीप जी, सोमवार को जब बाजार ओपन होगा तो इंट्राडे का ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड कहां पर बनेगा? बिल्कुल, इंट्राडे पे मैंने एक स्टॉक है पहले भी दिया हुआ और थोड़ा बिग टिकेट स्टॉक है, JCHSE, जॉनसन कंट्रोल हिटाची, क्योंकि ये इंट्राडे में इसलिए दे रहा हूं कि फंडामेंटली तो अच्छा है ही है, मैंने 10 की कमाई में या शायद यहां पे वैल्यू पिक पे भी, लॉन्ग टर्म पिक पे भी दिया हुआ है इसी शो में, जिन लेवल्स पे है 2377 के लगभग, और बहुत ही बढ़िया ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद वापस से 2450-2490 के टारगेट के लिए इंट्राडे में लिया जा सकता है और 2350 का स्टॉप लॉस लगाए। और दूसरा है टोरेंट फार्मा, जैसा कि मैं फार्मा स्टॉक्स, और मैंने जब शुरुआत की कमेंट्री में बोला कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा और सही सेक्टर्स में रहना है, तो जहां पे रिजल्ट्स भी अच्छे आए, फंडामेंटल्स भी अच्छे और टेक्निकली जब अच्छा हो जाए पोजिशनली तो वो सोने पे सुहागा है, तो 2485 के अगेन इसके भाव है और 2590 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जाए और 2445 का स्टॉप लॉस लगाएं, यह मेरा पोजीशन है। ठीक है, तो इंट्राडे और पोजिशनल में कहां आपको ट्रेड करना है ये आपको संदीप जी ने समझाया है, बताया है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, हिंडाल्को ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, कैसे रहे हैं नतीजे ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं इस वक्त। बताइए आशीष। देखिए, नतीजे अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिले, मुनाफे में हम अनुमान लगा रहे थे कि 222 करोड़ देखने को मिलेगा, उसके मुकाबले अगर आप देखें तो 326 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है कंपनी ने, यानी हमारे अनुमान से 47% अधिक मुनाफा दर्ज किया है। और मार्जिन्स में भी देखिए बहुत शानदार बढ़त देखने को मिल रही है, हमने अनुमान लगाया था कि पिछले साल जो है 7.3% थे इनके बेटा मार्जिन, इस बार करीब 10% रहेंगे, लेकिन उससे भी काफी ज्यादा बेहतर मार्जिन रिपोर्ट किए कंपनी ने,
करीब 11.4% के बेटा मार्जिन कंपनी ने रिकॉर्ड किए हैं। आय पर भी हम मान रहे थे कि एक 25% का दबाव देखने को मिलेगा, आय करीब 9,296 करोड़ रहने का अनुमान है, लेकिन उसके मुकाबले भी अगर आप देखें तो आय का भी आंकड़ा बेहतर ही आते हुए दिखा है, 9,992 करोड़ की आय दर्ज की कंपनी ने। स्टैंड अलोन बेसिस पर ये नंबर हम आपको बता रहे हैं और काफी बढ़िया देखने को मिले। दरअसल इन अच्छे नतीजों के पीछे दो कारण है, सबसे पहला कि कुछ कॉस्ट एफिशिएंसीज देखने को मिली है, खर्चों में कटौती की है मैनेजमेंट ने, उसका फायदा देखने को मिला है। साथ ही अगर आप देखें तो नॉन एलएमई जो सेगमेंट है वहां पर काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों ही में काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है वो भी बढ़िया देखने को मिल रही है, कह रहे हैं कि जो एलएडीएस का अधिग्रहण है वो ऑन ट्रैक है, जो डफेल इकाई है, दूसरी जो लुइसपोर्ट की इकाई है उसको बेचने के लिए लगातार बातें चल रही है और जल्दी उन्हें फाइनल अप्रूवल भी मिल जाएगा। साथ ही जो उत्कल एल्यूमिनियम में क्षमता विस्तार का काम है वो भी ऑन ट्रैक है, यानी मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री अच्छी है और नतीजे भी देख रहे हैं तो फिर अनुमान से बेहतर ही नजर आ रहे हैं। ओके संदीप जी, हिंडाल्को के नतीजों को देखने के बाद आपका क्या आउटलुक बन रहा है इसके ऊपर? देखिए मैं थोड़ा सा मेटल स्टॉक को लेकर या कमोडिटी या साइक्लिकल कंपनीज जो होती है उनपे इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता, बट यस ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और जो एक्टिवली मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते हैं ये स्टॉक्स उनके लिए है। ये स्टॉक्स वो नहीं है कि मैंने ले लिया और भूल गए, क्योंकि ये कमोडिटीज और एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे डिपेंडेंट है। बट एक चीज जरूर है कि जब भी बहुत ज्यादा स्टिमुलस अनाउंस किया जाता है या लिक्विडिटी आती है तो एक बार पार्किंग जो होती है वो इन टाइप के मेटल्स में ही होती है, और बेस मेटल्स हो या गोल्ड हो सिल्वर हो, तो उस लिहाज से लगता है कि मेटल्स में चूंकि डाउनसाइड रिस्क भी कम है और बहुत ज्यादा करेक्टेड सेक्टर है, बहुत अप्रिशिएट भी नहीं किया, तो ये है कि होल्ड करके रखें। बाकी फ्रेश बाइंग की राय वही करे उनके लिए है जो लोग अपने टारगेट्स पे और स्टॉप लॉसेस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट नॉट फॉर अ बाय एंड फॉरगेट स्टोरी। तो मेरे तरफ से होल्ड है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, काफी कॉस्ट एफिशिएंसीज, मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया। कमोडिटी से इतनी बेरुखी क्यों है संदीप जी आपको? अरे 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 मृत्युंजय जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कमोडिटी की वजह से तो आप और हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और आपका भी डीएनए में कमोडिटीज और मेरे भी डीएनए में कमोडिटीज है, बट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स आप अगर बोलिए कि एमसीएक्स में नहीं, चलिए ठीक है ठीक है, प्यार अपनी जगह है लेकिन फंडामेंटल अपनी जगह है। आगे बढ़ते हैं, सोमवार को टाटा मोटर्स के नतीजे आएंगे, कैसे रहेंगे नतीजे इसका अनुमान बताने के लिए कुशल हमारे साथ बने हुए हैं। कुशल बताइए क्या अनुमान है? जी तो सोमवार को टाटा मोटर्स के नंबर्स आएंगे और नंबर्स बेहद कमजोर लग रहे हैं, इनफैक्ट मुनाफे से घाटे में कंपनी आती हुई नजर आएगी। 1117 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल और इस बार हम अनुमान करके चल रहे हैं कि 2822 करोड़ रुपए का घाटा कंपनी पोस्ट कर सकती है। इसकी मेन वजह अगर आप देखें तो अन्य आय में करीब 80% की फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जिस वजह से मुनाफे पर आपको इतना ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप कंपनी की रेवेन्यू की तरफ नजर डालें तो 30% की फॉल हम इनके आय में भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और इसकी मेन वजह जेएलआर की वॉल्यूम डिक्लाइन और साथ ही जो गैर जेएलआर इनके प्रोडक्ट्स है वहां पर भी करीब 47% की फॉल हमें देखने को मिली है इनके वॉल्यूम्स में। तो कहीं ना कहीं नेट नेट देखेंगे तो रेवेन्यू में 30% का फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 9.8% से घटकर 6% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, और इसकी रीजन इसका मेन रीजन यही है कि इन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स बेचे हैं वो काफी डिस्काउंटेड रेट्स पर बेचे हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको इनके मार्जिन्स पर साफ तौर पर नजर आ सकता है। एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट साइड से जानना, एक तो जेएलआर जो चाइना में है इनका बिजनेस है जेएलआर का, वहां से कैसी डिमांड रिकवरी हो रही है, और साथ ही यूएस और यूरोप जो और रीजन्स हैं पर्टिकुलरली जैगवार लैंड रोवर के लिए फर्स्ट हाफ में यानी कि FY21 का जो फर्स्ट हाफ है वहां पर अब कैसी स्थिति या सिनेरियो है, जैसे कि हम जो अनलॉकिंग देख रहे हैं इन सब देशों में तो यहां पर कैसी सिचुएशन है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ओके तो ये टाटा मोटर्स के नतीजों का अनुमान, लेकिन सोमवार को आईजीएल के भी नतीजे आएंगे और आईजीएल के नतीजे कैसे रह सकते हैं ये अनुमान बताने के लिए संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। बताइए संदीप। देखिए हमारा अनुमान है कि आईजीएल के नंबर्स इस बार कमजोरी रहेंगे, 4.5% इनकी बिक्री घटेगी क्योंकि मार्च में जो लॉकडाउन हुआ था उससे इनके जो वॉल्यूम्स हैं वो करीब 3% के आसपास घटते हुए दिखेंगे। इंडस्ट्रियल के मुकाबले जो सीएनजी की मांग है वो ज्यादा हिट होती हुई दिखेगी क्योंकि गाड़ियां नहीं थी रोड्स के ऊपर, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
इनके जो कामकाजी मुनाफा करीब 5.5% के आसपास घटता हुआ दिखेगा। मार्जिन आप देखिए, बावजूद इसके कि रुपया कमजोर हुआ है, इनके मार्जिन घटने चाहिए, लेकिन मोर और लेस आपको फ्लैट नजर आएंगे, क्योंकि एक तो पीएमटी और दूसरा जो स्पॉट एलएनजी है उसकी कीमतें इस बार घटती हुई दिखी, तो उससे इनके जो मार्जिन है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो नेट नेट देखा जाए, रुपए की कमजोरी और जो गैस की कीमतें कम हुई है, इन्होंने जो पास ऑन नहीं किया है, उस पर इम्पैक्ट जो है इस बार नंबर्स पे, खासतौर पे मार्जिन पे किस तरह का देखने को मिलेगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और लॉकडाउन खुलने के बाद मैनेजमेंट की वॉल्यूम्स को लेकर जो कमेंट्री है और रुपए की कमजोरी का इम्पैक्ट इस बार नंबर्स पे, ये दो खास चीजें हैं जिसके ऊपर एनालिस्ट खासतौर पर नजर रखेंगे। ओके संदीप जी, अभी आपने सुना कि कुशल ने और संदीप ने किस तरह से टाटा मोटर्स और आईजीएल के नतीजों के अनुमान के बारे में बताया है। अनुमान को देखने समझने के बाद आपका क्या मन बन रहा है इन दोनों कंपनी? देखिए, टाटा मोटर्स तो एग्जिट ऑन बाउंस है, और मुझे पता है कि बहुत व्यूअर्स और बहुत फॉलोअर्स लोग टाटा मोटर्स में फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल्स पे भी, बट जिस तरीके के बैलेंस शीट में डेट्स है और जिस तरीके का आगे का माहौल बन रहा है, मुझे लगता नहीं कि मैं इतनी जल्दी टाटा मोटर्स पे रिकमेंडेशन दूंगा। सो एग्जिट ऑन बाउंस। और आईजीएल सर्टेनली वन ऑफ माई फेवरेट्स है, मुझे ये गैस सेक्टर अच्छा लगता है, एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस। तो ठीक है, रिजल्ट्स हो सकते हैं वीक हो, बट काफी हद तक मुझे लगता है कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, बाकी बाय ऑन डिक्लाइंस है। महानगर गैस अभी ज्यादा बेहतर लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से। ठीक है, ओके, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मंडे के लिए, सोमवार के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और सोमवार को ऑप्शन के जरिए आपको कहां पर ट्रेड के मौके मिलेंगे, और साथ ही आप लॉन्ग टर्म के लिए कहां पर निवेश कर पाएंगे, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, और अब वक्त है ये जानने का कि अगले हफ्ते के लिए, खास करके मंडे के लिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अब दो दिन बाजार बंद रहेंगे, आज की शानदार रिकवरी आगे के लिए क्या संकेत दे रही है, और सोमवार के लिए बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए? सोमवार को जब सुबह हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। पहला तो यह कि जितना सोच रहे क्या अमेरिकी बाजार उतना तेज होते हैं, या उसमें यहां पर अमेरिकी बाजारों में बड़े गैप से खुलकर तेजी होकर अगर वहां प्रॉफिट बुकिंग आ जाती तो फिर सोमवार को आपके लिए चढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आप अमेरिकी बाजारों में एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन होगा वो पचा चुके हैं, उसी के दम पर इतनी तेजी हुई। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, आप बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर बंद हुए, 10,000 के बेहद करीब। 10,000 का लेवल साइकोलॉजिकली भी और वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रुकावट की जो जगह है वो 10,000-10,050 है, और उसके बेहद करीब आप बंद हुए, तो इसलिए मेक और ब्रेक वाला मामला है। 10,000 के ऊपर टिक के ट्रेड करना सोमवार के लिए बेहद जरूरी होगा, और उसके लिए चाहिए आपको कुछ बढ़िया मजबूती अमेरिकी बाजारों की, और सोमवार सुबह ग्लोबल मार्केट्स मजबूती के साथ खुले। बैंक निफ्टी भी 21,000 के नजदीक पहुंचेगा तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि ये 20,950 से 21,200 ये रेंज ऐसी है जो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया लेवल है, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो उस लिहाज से आपको सोमवार को इन दो लेवल्स पर नजर रखनी है, पहली चीज। दूसरी बात यह कि वैसे सारे संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से लेने, हमारे लोकल संकेत कोई खास इतने ज्यादा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद मोमेंटम जो दिख रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, और उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में एफआईएस की तरफ से, घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी के आंकड़े अच्छे आने चाहिए, और वो आंकड़े बाजार को निचले स्तरों पर सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। तो अब आपके लिए 9,800-9,825 मजबूत सपोर्ट का काम निफ्टी पर करेगा, और बैंक निफ्टी पर यही मजबूत सपोर्ट 20,000 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए सोमवार के लिए। ओके, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका सोमवार के लिए ये स्ट्रेटजी बताने के लिए। लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि सोमवार को ऑप्शन के जरिए आपको कहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार को ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड करने का मौका मिल सकता है? गुड इवनिंग मृत्युंजय, मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी में ही आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि जिस तरीके से आज के सत्र में एक शिफ्ट हुआ है, 9,500 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वहीं से एक रिबाउंड हुआ है, बट 10,000 मुझे लग रहा है अभी जाके थोड़ा सा एक क्रिटिकल बाउंड हो सकता है, जिस तरीके से वीकली चार्ट प्रेजेंट हो रहे हैं। तो वीकली चार्ट पे यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर है,
फॉर्मेशन है 106 का, एंड ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन अपने 200 वीकली बार के रीजन में ही हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ से क्रिटिकल हो सकता है मार्केट, एंड यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा सेल ऑन राइज मोड पे है ना। तो 10,000 के रेजिस्टेंस के नजदीक मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पुट बेयरफुट स्प्रेड आपको डिप्लॉय करना चाहिए, जहाँ पर 9900 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है एंड उसके अगेंस्ट 9700 का एक पुट ऑप्शन आपको बेचना है। ये कंबाइंड स्प्रेड आज क्लोजिंग बेसिस पे अराउंड 54 के आसपास मिल रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 27 का, एंड अगले हफ्ते के लिए ये टारगेट होगा अराउंड 155 का। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड हो सकता है, एंड जो बड़ा मोमेंटम चाहिए मुझे लग रहा है वो 10,240 के क्लोजिंग के ऊपर ही होना चाहिए। जब तक ये होता नहीं है मुझे लग रहा है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है। ओके ठीक है, कोई खास और स्टॉक बताना चाहेंगे आप? विथिन जो स्टॉक ऑप्शन मुझे लग रहा है अदानी पोर्ट, जिस तरीके से मैंने सुबह भी विश्लेषण किया था, यहाँ पर एक काफी बड़े रेजिस्टेंस के नजदीक ये काउंटर प्लेस है, एंड जिस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल डेली चार्ट पे कॉम्बिनेशन में है, एक राइजिंग वेज ब्रेकडाउन की कगार पे है, और जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी डेटा प्रेजेंट हो रहा है, तो 320 का जो पुट ऑप्शन है यही खरीदारी करने की सलाह होगी। ये खरीदना है आपको 3.5 से 4 के रेंज में, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1.5 रुपए के आसपास, और एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 9 रुपए के आसपास। ओके चलिए, ये तो बात हो गई मंडे के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करना हो तो आप कहां पर निवेश कर पाएंगे? संदीप जी बताइए, लंबे समय के लिए कोई ऐसा शेयर जहां पर निवेश करना अभी अच्छा लग रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं काफी मोटिवेटेड हूं, कई हफ्तों से इस शो में आ रहे हैं, महीनों से, और जो भी स्टॉक्स दिए जा रहे हैं काफी ओके टारगेट्स अच्छे भी, और पिछले वीक का तो स्टार सीमेंट बड़ा स्टार निकला और ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर ही लिया था। और बहुत बढ़िया, मैं जो स्टॉक, थैंक यू मृत्युंजय जी, जो स्टॉक देने जा रहा हूँ वो है फर्मेंटा बायोटेक लिमिटेड। ये स्टॉक मैं पहली बार नहीं दे रहा, दूसरी बार दे रहा हूँ, बट ये जरूर है कि दूसरी बार ही इसके बारे में बात हुई होगी और कहीं भी इस स्टॉक के बारे में जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि फर्मेंटा नाम जल्दी से आता नहीं है सामने, और DIL इसका पुराना नाम था, और DIL का अगर फुल फॉर्म बोले तो वो जरूर से याद आता है, ड्यूफार इंटरफ्रान लिमिटेड जो पुराना नाम था, और क्रोसिन इनके पास हुआ करती थी जो इन्होंने फिर बेचा हुआ उस ब्रांड को, तो उससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है 1951 से ये कंपनी कार्यरत है, और डॉक्टर DVK राजू ये एक सेल्फ मेड मैन है, उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी, और ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन ड्रग इंडस्ट्री। और सबसे बढ़िया बात है ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है विटामिन D3 का, और की ग्लोबल प्लेयर है, और बायोटेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, एंजाइम्स वगैरह बहुत सारी चीजें बनाती है। समय की कमी है बट फंडामेंटल्स की मैं बात करता हूं तो सिर्फ 8.5 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है, 42 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, और पिछले अगर 3 साल की अगर ग्रोथ की बात करें तो बेहतरीन ग्रोथ है 37-38% की, और भी विस्तार पे बात करेंगे, बट ओवरऑल 330 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में, 269 के लगभग अभी भाव चल रहा है, और बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद ये निकला है। 226 पे स्टॉक को रेकमेंड किया था, और अभी भी लगता है कि बहुत स्टीम बाकी है और बहुत सस्ते वैल्यूएशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, सच्चिदानंद जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का, ये बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा, और अगले हफ्ते का मार्केट कैसा रह सकता है, सोमवार को कमाई के मौके कहां पर बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।